समाज में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर के एन सिन्हा को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह मिलने के उपलक्ष्य में कई डॉक्टरों ने डॉक्टर के एन सिन्हा को बधाई भी दी। भोजपुर दर्शन से बातचीत के क्रम में डॉक्टर के एन सिन्हा ने कहा कि कई मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन मेरे द्वारा किया गया है, साथ में कई सामाजिक कार्यों को लेकर इस प्रकार का सम्मान मुझे प्राप्त हुई है। मेरे बॉइस कीजिए एजुकेशन, उन लोगों के द्वारा मेरे पास फोन आया था कि मालूम हुआ आपके बारे में कि आप जो है सामाजिक काम बहुत ज़्यादा करते हैं और 20 साल से ज़्यादा से समय से आप मेगा स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं। तो हमने कहा कि हाँ, आए और आपने मुझे बधाई दी और स्वागत है। ये जो अवार्ड है कि हमारे छोटे भाई डॉक्टर के एन सिन्हा जो समाज के हर एक स्वास्थ्य शिविर हो या सामाजिक सेवा हो या किसी तरह का ये हो जिसमें इनका भरपूर सहयोग रहता है, और ये तो इकोनॉमिक फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन ग्रोथ के द्वारा इनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इसके पहले भी इनको कई एक बार सम्मानित किया गया है, और इनके लिए मैं समझता हूँ कि ये सम्मान बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये अपने आप में एक विभूति है, आर्य के एक विभूति है, और इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आगे ये बढ़ें और काम करते रहेंगे, स्वतः इनको ये अवार्ड वगैरह मिलते रहेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि इन्हें पद्मश्री और आप लोग बधाई दिए, प्लस आप लोग में जानना चाहिए बात है। तो मैं ये अगर आपका ये प्रश्न है कि तो मैं सदैव कहूँगा कि ये जो मुझे अवार्ड मिला है वो समाज के द्वारा दिया हुआ है। समाज ही हमको रिकॉग्नाइज करता है और समाज के प्रति जो हम काम करते हैं उसको रिकॉग्निशन में समाज रिकॉग्नाइज कर रहा है, और खासकर हमारे आईमे और हमारा भाषा, हमारे सदर अस्पताल के लोग जो हमारे कलीग बंधु हैं और हमारे जो गार्जियन हैं डॉक्टर विजय सिंह हमारे अध्यक्ष हैं, ये हमेशा प्रोत्साहित करते हैं हमको। हमारे सीनियर लोग हैं, डॉक्टर मधुकर जी सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर अरुण हमारे छोटे भाई हैं, डॉक्टर आशुतोष बाबू हैं, ये हमेशा हम लोग सहयोग करते हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं कि हम लोग बड़े मत करें या सहयोग आपका देंगे, आप सामाजिक काम में इंटरेस्ट है आप आगे बढ़िए। इन लोग के प्रोत्साहन से मैं सामाजिक काम में रुचि ज़्यादा लेता हूँ, और अक्सर मैं जहाँ मौका मिलता है जब भी हमको कोई खोजता है मैं अपना काम से वक्त निकाल करके सामाजिक काम के लिए जरूर जाता हूँ, लोगों को सेवा करता हूँ। लोगों का श्रेय है और विजय बाबू भी काफ़ी बढ़ लेते हैं चूंकि, और डायरी सेक्रेटरी मैं रहता हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, मेहनत करते हैं और लोग, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमको लोग पद दिया है संस्था मिलकर के मेगा स्वास्थ्य कमिटी जो है। इसमें कि आप ज़्यादा का वर्क भी नहीं करते हैं और ज़्यादा वर्क भी करते हैं, दोनों बात आप ही नहीं कह रहे हैं, पब्लिक हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे, कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमसे ज़्यादा और लोग भी कम करते हैं, जो जिसको पोस्ट नहीं मिला है वो लोग भी हमसे कम नहीं काम करते हैं, हमको ऑर्गेनाइजिंग पोस्ट मिला है तो समझ आता है कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को सबसे ज़्यादा काम करना है। लेकिन हम मेगा हेल्थ कैंप साल में एक बार होता है, इसके अलावा बहुत सारा कैंप होता है। उनको मालूम होगा कि हमने 2500 कैंप करवाया है और 2500 कैंप में इनकी सहभागिता है। एक कैंप से कोई ये नहीं कर सकता है कि हम ये मेगा कैंप या फलाना चले, इसलिए मेरा ये कहना है कि इनको बोलने में थोड़ा ये हो रही होगी, लेकिन जहाँ भी डॉक्टर के एन सिन्हा को खोजिए हम बोलेंगे कि के एन सिन्हा जरा यहाँ कैंप है आके चले जाइए, हमारे साथ दिन रात ये कैंप में ये रहते हैं, यहाँ तक कि अपना कुछ दवा भी ये करते हैं। हमेशा कोई भी यहाँ पर हेल्थ ओरिएंटेड कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे किसी संस्था का कोई कार्यक्रम हो, अगर फिजिशियन की ज़रूरत है और हेल्थ कैंप में गरीबों के चाहे स्कूल की जांच जहां भी जांच